मिलकर आए सर, फिर भी क्या मिल के आए कंडीशन कोई, मैं तो अपनी अपनी अनुभव से कह सकता हूँ कि स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं। क्या कुछ अपील करना चाहिए? जो ट्रीटमेंट अपन दे सकते थे वो सारा ट्रीटमेंट दिया, जयपुर से डॉक्टर टीम बुलाने वो बुला करके देख ली, और जो राय लेनी थी बाकी जगह भेज करके भी उसको भी राय ले ली। अब इसके बारे में थोड़ा सा सोचा था कि क्या इसको एयरलिफ्ट किया जा सकता है, क्या उससे कोई इसको लाभ हो सकता है, बचाया जा सकता है क्या, उसके बारे में भी अभी तक डॉक्टरों की राय कोई बराबर एकदम नहीं बन रही है। कारण क्या है कि कम से कम हमको 2 घंटे एक जगह से लिफ्ट करके दूसरी जगह ले जाने लगेगा, तब तक जो सपोर्टिंग यहाँ चल रहा है उसमें कहीं गैप आ जाए तो और ज़्यादा कहीं नुकसान ना हो, तो इसलिए विचार कर रहे हैं अभी तो बैठ कर। लोगों से क्या कुछ अपील? देखो, लोगों से अपील, देखो बहुत दुखद घटना हुई, इसमें कोई दोरा नहीं, एक नौजवान बच्चा किसी का भी जाता है उसके परिवार की पीड़ा को वही समझते हैं। मैं सोचता हूँ कि वास्तव में जो कुछ भी यहाँ किया जा सकता था, यहाँ के डॉक्टरों ने, मेरा भी 40 साल का अनुभव है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसकी सांस चली जाए उसको आधे घंटे तक प्रेशर करके और उसको रिवाइव कर दिया जाए, ये भी इस बच्चे की दम है या इसका हार्ट इतना पावरफुल है कि ये रिवाइव हो गया, बाकी तो केस रिवाइव होने की स्थिति भी नहीं बनती थी, आधा घंटा किसको कहते हैं, तो फिर भी रिवाइव हुआ। उसके बाद इसको सभी सपोर्टिंग दवाई मिली है, अभी तक ये अपने आप में सर्वाइव कर रहा है, ऐसा नहीं कि अभी एकदम इसने कोई ऐसा है, इसका माइंड भी जो है वो चीज़ें वर्क कर रहा है, किडनी ने ज़रूर फंक्शन के बारे में काफ़ी कुछ दिया, तो किडनी के स्पेशल डॉक्टर बुला करके उनको दिखा करके अब क्या है कि इसका जो है ना किडनी का जो फंक्शन है डायलिसिस करने के लिए, उसके लिए भी जितना प्रेशर मेंटेन होना चाहिए उसके बाद ही किडनी को डायलिसिस किया जा सकता है, उस स्थिति का वाच कर रहे हैं। अगर वो 10-15 के और ग्रो कर जाएगी इसका प्रेशर, तो उसको उस लाइन में भी ले सकते हैं। उदयपुर में सर दूसरी घटना है ऐसी? देखो भाई, हुई है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं, मैं सोचता हूँ कि दुखद है इसमें भी नहीं, पुलिस को भी जो कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई वो कर रहे हैं, जो डॉक्टरों की टीम को जो कार्रवाई करनी चाहिए ये कर रहे हैं, और मैं जनता से अपील है शांति और संतोष के आधार पर ही हर समस्या का समाधान निकलेगा, और जिसने अपराध किया है उसको दंड मिलेगा पूरा।